स्वर्ण को आरक्षण देने के विरोध में अजमेर बंद रहा असफल। संविधान बचाओ समिति ने करी थी अजमेर बंद की मांग, किसी भी व्यापारी ने नहीं दिया समर्थन। अजमेर बंद का आह्वान करने वालों को कल किया गया था पाबंद। स्वर्ण और पिछड़ों को सरकारी नौकरी लगने में इसलिए परेशानी आ रही थी क्योंकि आरक्षण बीच में आ रहा था। अब जब सरकार ने स्वर्णों को भी 10% आरक्षण दे दिया तो उसके विरोध में भी लोग आ गए हैं। संविधान बचाओ समिति का कहना है कि इस 10% आरक्षण को रद्द करो। समिति ने भारत बंद का आह्वान भी किया था लेकिन किसी ने भी उन्हें समर्थन नहीं दिया और ये प्रदर्शन पूर्ण तरीके से असफल रहा। इस मामले में पुलिस ने भी सख्त निर्देश दिए थे, अगर किसी ने भी किसी के साथ किसी भी प्रकार की जबरदस्ती करी तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थोड़ी बहुत नारेबाजी करने के बाद सब शांत हो गया। अजमेर बंद का आह्वान किया था, कहीं बंद नहीं हुआ, क्या कारण रहा, क्या है मतलब पूरा? संविधान बचाओ संघर्ष समिति केंद्रीय संगठन के द्वारा जो आज 5 मार्च को स्वर्ण समाज के पिछड़े लोगों के लिए जो भारत सरकार ने 10% का आरक्षण दिया है उसके विरोध में संपूर्ण भारत को बंद रखे आह्वान किया गया था, मगर आज अजमेर की जो परिस्थितियों को ध्यान में रखा है, स्थानीय प्रशासन से चर्चा होने के बाद अजमेर की साथियों ने, संघर्ष समिति के साथियों ने निर्णय लिया सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उसका मेला चालू हो गया, उधर से दीनी तबलीगी समाज के हजारों जायरीन अजमेर पहुंच चुके हैं, स्थानीय व्यापारियों का भी समझाई के आधार पर क्या उसमें हमारे को जो आमदनी होनी है उस पर रुकावट आएगी, स्थानीय जायरीनों एवं स्थानीय नागरिकों को ध्यान में रखते हुए अजमेर के अंदर मात्र आज ये भारत बंद को वापस लिया रखा गया है, क्योंकि संपूर्ण भारत में आज अब वीडियो वायरल हो रहे हैं, देखिए अनेक राज्यों के अंदर बड़ी तेजी के साथ में इस बंद पर कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। आज अजमेर के अंदर परिस्थितियों को ध्यान में रख करके ये बंद का आह्वान वापस लिया है। सुनने में ये आ रहा है कि आपने व्यापारियों से मांग करी थी कि बंद करने के, लेकिन व्यापारी ने आपको समर्थन नहीं दिया, इस कारण से अजमेर विफल रहा बंद करने में। अजमेर के व्यापार पर ही जिन लोगों के हम लोगों ने मांग रखी है उनके खिलाफ व्यापार पे कब्जा ही उन्हीं लोगों का है तो हमारे समर्थन में आने का सवाल ही नहीं होता। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि दरगाह का मेला चल रहा है इस कारण से अजमेर? बिल्कुल, इस बात को ध्यान में रखा गया, प्रशासन ही समझाई इसके आधार पर। आप लोगों को पुलिस के द्वारा पाबंद भी किया गया था, आप लोगों को पुलिस के द्वारा भी पाबंद किया गया था, आप सवाल पूछ लेना। पाबंद पाबंद करने का कारण साफ है, इधर सुन लीजिए, पाबंद करने का कारण साफ आया है क्या पुलिस प्रशासन ने एक बात रखी थी कि हमारा जो हैंडविल है उसके अंदर अजमेर को रैली निकालने का कार्यक्रम निर्धारित नहीं है। क्या है आपकी मुख्य मांगे हैं? 10% आरक्षण को रद्द करवाने का। क्या कारण है कि 10% आरक्षण से ही परेशानी? भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरोध में जाकर के सरकार जो 10% इनको आरक्षण कहाँ से देगी उसका कहीं हवाला नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं हेर फेर कर दिया गया है, राष्ट्रपति के भी शासन सिग्नेचर हो चुके हैं। इस तरह का जो कार्यक्रम गतिविधि है वो ऑन द रिकॉर्डेड नहीं है। अभी नाम बता दीजिए आपका। गुलाब सिंह चितौड़िया, जिला संयोजक संविधान बचाओ संघर्ष समिति। बचाओ संघर्ष समिति द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया था, इसके लिए मुख्यालय द्वारा माकूल पुलिस व्यवस्थाएं की गई है, किसी भी प्रकार के जबरदस्ती बंद करवाए जाने पर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाने हेतु मुख्यालय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी पालना जाप्ता लगाया गया है और सभी जगह सभी व्यापारियों को इस संबंध में संरक्षण दिया गया है कि कोई उनकी दुकान जबरदस्ती बंद नहीं करवाए। और संघर्ष समिति संयोजक गुलाब सिंह चितौड़िया ने भी ये आश्वासन दिया है कि किसी प्रकार से किसी को जबरदस्ती नहीं की जाएगी, और इसी दौरान इन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है जिसमें इन्होंने भारत बंद के तहत प्रस्तावित जो बंद है उसको स्थगित करने की बात भी कही है। इस आंदोलन के तहत आज ये लोग जीसीए चौराहे पे इकट्ठे हुए हैं, जिसमें इन्होंने मीडिया बंधुओं को इस संबंध में भी स्थगित करने को सूचित किया गया है, और अब ये लोग अपना यहाँ प्रोग्राम करने के बाद अपने अपने घरों को लौट रहे हैं।